नमस्कार दोस्तों, एच एथ रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, टुमारो यानी बुधवार को बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी क्या कर सकते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट के में क्या सीनेरियो बन रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो डाउ जोन्स 66 पॉइंट प्लस में है और एस जी एस निफ्टी 47 पॉइंट प्लस है और हमारा निफ्टी 16,058 पे क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी 34,132 पे क्लोज हुआ है। तो आइए देखते हैं, जो मैंने यस्टरडे लेवल दिए थे आपको बैंक निफ्टी में, उसका उसने क्या किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे, मैंने नो ट्रेडिंग जोन यानी फ्लैट जोन मैंने आपको ड्रॉ करके बोला था कि 34,547 से लेके 34,400 के बीच में ओपन होता है और अगर 34,400 ब्रेक करता है डाउन के साइड में तो उसका मैंने टारगेट आपको तीन दिए थे, वो तीनों अचीव हो गया। लेकिन आज उसका ओपनिंग हुआ है 34,258 पे, उसका ओपनिंग हुआ है और मेरा जो अल्टीमेट लास्ट टारगेट था 34,150 वो उसने अचीव कर लिया और उसने आज का लो मारा है। फ्रेंड्स, 34,047 पे उसका आज का लो है और आज की क्लोजिंग आई है फ्रेंड्स 34,132 पे उसकी क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। तो आइए देखते हैं कि कल अब क्या सीनेरियो बन रहा है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। तो इससे इसके लिए मैं पहले ये पूरा निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स। अब हम चेक करते हैं कि कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। ये फ्रेंड्स, ये 15 मिनट के चार्ट है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो 34,980 अगर ब्रेक करता है टुमारो के लिए तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स 34,733 और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है उसकी डाउन की साइड में 34,550। ये कंडीशन क्या रहेगी फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी को इसी जोन में ओपन होना पड़ेगा। ओके, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ये रहेगा हमारा नो ट्रेडिंग जोन और अपसाइड में फ्रेंड्स अगर 34,200 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है अपसाइड में 34,370 और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 34,500। और अगर ज़्यादा गैप अप ओपन होता है फ्रेंड्स 34,400 या 34,500 के करीब इस जोन में तो वहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो उसी शूटिंग स्टार कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम पुट बाई कर सकते हैं। वैसे ही अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है 300-400-500 पॉइंट यहाँ पे और अगर वहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनती है तो हैमर कैंडल का लो का हम स्टॉप लॉस लगा के कॉल बाई कर सकते हैं या फिर हम प्राइस एक्शन बनने का भी वेट कर सकते हैं आधा घंटा पौना घंटा या 1 आवर्स, उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है तो। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। तो आइए देखते हैं निफ्टी में आज क्या किया फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बोला था निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन मैंने ड्रॉ करके दिया था आपको, ये वाला 60,240 से लेके 60,160, लेकिन आज का उसका ओपनिंग ही हुआ है फ्रेंड्स, गैप डाउन ओपन हुआ है 60,134 पे उसका ओपनिंग हुआ है। यानी मैंने जो आपको टारगेट दिया था डाउन की साइड में कि 60,160 ब्रेक करेगा तो उसका टारगेट मैंने दिया था 60,170 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 60,057 और तीसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 60,000 और उसका आज का लो मारा है फ्रेंड्स निफ्टी ने 60,031। तो करीबन मैंने जो टारगेट दिए थे वो डाउन की साइड में वो उसने अचीव कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं अब कल निफ्टी में क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम काम करते हैं, इसको पूरा निकाल लेते हैं आज पूरा लेवल को और हम फिर से न्यू लेवल लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, निफ्टी ने भी यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये उसका एक सपोर्ट जोन था, उसने आज उसने ब्रेक कर लिया 60,059 के करीब। तो पॉसिबिलिटी है अब कल ये गैप जो पड़ा हुआ है उसको फिल करने के लिए नीचे तो आएगा ही 60,009 पे और अगर उसको ब्रेक करेगा फ्रेंड्स तो पहले काम करते हैं नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से लेके ये रहेगा हमारा नो ट्रेडिंग जोन। ओके, अगर कल 60,000 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 15,920। उसका क्लोजिंग हुआ है 60,058 पे उसका क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ 15,920
980 मतलब 15,980 ब्रेक होता है डाउन की साइड में। फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे ओपन होने के बाद ओपन होता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 15,920। और अगर 15,920 को भी ब्रेक करेगा फ्रेंड्स टुमारो तो उसका सेकंड टारगेट आएगा 15,840। और अगर अपसाइड में फ्रेंड्स निफ्टी ने ये उसका रेजिस्टेंस जोन बन गया है, अगर इसको निकालेगा फ्रेंड्स अपसाइड में तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स 16,120। और दूसरा लेवल आएगा ये वाला, ऊपर ले लेते हैं 16,155। ये हो गया फ्रेंड्स निफ्टी 50 का। फ्रेंड्स मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रॉपर सेव बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।